नमस्कार, मैं हूं सुफियान अलवी। आप देख रहे हैं बॉल इंडिया बॉल। इस समय हम शुगर मिल में जो गन्ना लेकर किसान आए हैं उनके साथ मौजूद हैं। किसानों से बात करेंगे कि 2019 का चुनाव किस तरीके से वो देख रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण। ब्रजभूषण जी, आप किसान हैं, किस तरह से 2019 का चुनाव देख रहे हैं? भाई, चुनाव तो ये है कि बीजेपी ही होनी चाहिए, हालांकि इसने किसानों के लिए कुछ किया नहीं। फिर भी आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? कुछ किया भाई, देश के विकास के लिए ये बेहतर है। अपना विकास नहीं चाहते आप? ऐसा है भाई, जब देश का हो रहा तो हमारा भी हो ही जाएगा। पूरे 5 साल हो चुके हैं, क्या अब भी उम्मीद है आपको? हाँ, अभी उम्मीद है। राहुल जी क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? नहीं, उस बेचारे को तो कुछ जानकारी नहीं, वो तो देश दुनिया का उसको मतलब बच्चा हो तो जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रतन से पूछने नहीं बता दीजिए आपको क्या नाम है? भाई विकास। किसान हैं आप भी? हाँ जी। क्या बीजेपी ने कुछ विकास किए हैं किसानों के लिए? अरे करेगा ही, अब नहीं करेगा और करेगा। विश्वास तो है इनको, तो आस भी नहीं है किसी पे, विश्वास तो है भाई। तो आप भी बीजेपी को लाइक? हाँ, और बीजेपी को कर रहे हैं भाई। हम तो कुछ दिया बीजेपी ने पूरे 5 साल होने वाले? किसने भी कुछ दिया? किसान को कुछ नहीं दिया। किसान को कौन देगा कुछ? अच्छा, ये तो किसान ही दे रहा, हम ही दे रहे, उन्हें और क्या दे रहे। किसानों का कहना है हालांकि बीजेपी ने कुछ दिया नहीं, मगर उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, वो बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप जी, आप किसान हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं 2019 का चुनाव नज़दीक है? ऐसा है, वोट तो जाके भाजपा को ही, मगर भाजपा को किसान के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। भाजपा को ही क्यों, कांग्रेस को क्यों नहीं? ऐसी क्या खास बात? भाजपा के ही है जी हम कट्टर। अच्छा, कांग्रेस के लिए आप वोट नहीं करेंगे? नहीं जी, नहीं नहीं, उसे क्या करेंगे, वो तो कांग्रेस वैसे ही पड़े आया है, क्या पता कहां का बीज हो। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, आप किसान हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, क्या कुछ विकास हुआ है किसानों का? नहीं, विकास तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, पर कोई विकल्प नहीं आ गए, क्या किया जाए? बीजेपी भी आ गए। कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं कर रहे? कांग्रेस वाले को तो कुछ जानकारी नहीं बेचारे को, कुछ पता नहीं राहुल गांधी को, तो भविष्य खराब ही है, कुछ नजर नहीं आता कांग्रेस का। तो किसानों का कहना है कि कांग्रेस में भविष्य खराब ही है, मगर और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शीशपाल नाम है जी मेरा। हाँ जी, अब 2019 का चुनाव आने वाला है जी। इन्होंने आमदनी किसान की आय दुगनी करने को कहा था, इन्होंने तो एक गुणी भी नहीं करी। चचा तो बता रहे हैं कोई विकल्प नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। विकल्प क्या होता है? 50 किलो कट्टा यूरिया का ढाई का था, 45 किलो कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया, करने के रेट नहीं बढ़ाए। तो आप किसे सपोर्ट करेंगे 2019? हम तो गठबंधन को करेंगे सपोर्ट, और जहाँ तक होगा पूरा करेंगे। चचा का कहना है कि किसानों के पास तो कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी ने बहुत काम किए मगर किसानों के लिए नहीं किया। कुछ नहीं हुआ, झूठे वादे खोखले। चचा ये तो कह रहे हैं कि झूठे वादे, कुछ नहीं हुआ किसानों को। नहीं करो, सोचो इनके बारे में, ऐसा नहीं, सोचो भाजपा सोचेगी, इन्हें सोचना चाहिए इस बात को। हाँ, अगर आगे आना है तो जनता चाह रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, किसान हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं 2019 का चुनाव? देख रहे हैं, मुझे कोई विकल्प नहीं आ गए, क्या करें जी। जाने तो मोदी को ही पड़ेगा, कहाँ जाओ? मोदी को ही देंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे? कांग्रेस ने 60 साल पहले कर रखा, कुछ नहीं दिखा, आगे क्या कर देगी? हाँ जी, 60 साल पहले नहीं करा, 60 साल पहले भी कुछ नहीं किया है कांग्रेस ने, क्या करें? आने वाले समय में किसे देंगे? मोदी को देंगे। कुछ किसानों का कहना है कि वो गठबंधन को वोट देंगे, तो कुछ बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, हालांकि उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने कोई काम किसानों के लिए खास नहीं किया, वादे बहुत किए थे मगर वादों पर खरी नहीं उतरी बीजेपी। कैमरामैन आसिफ सागर के साथ सुफियान अलवी, बॉल इंडिया बॉल, देवबंद।